क्या बॉलीवुड की न्यू मॉमी दीपिका पादुकोण स्लीप डिप्राइवेशन और बर्न आउट जैसे इश्यूज के कारण स्ट्रगल कर रही है? दीपिका ने बताया कैसे नींद की कमी ने उनके डेली रूटीन को किया है इफेक्ट। ऐसे में क्या है मदरहुड के चैलेंजेस जिसे हर न्यू मदर फेस करती है अपने न्यू बॉर्न्स के साथ, जस्ट लाइक डीपी। वेल, तो डायरेक्टली दीपिका पादुकोण ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 के मौके पर अपनी एक लेक्चर सीरीज में उन्होंने स्लीप डिप्राइवेशन और बर्नआउट के चैलेंजेस के बारे में खुलकर बात की और सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने आरियाना हफिंगटन जर्नी टू वेलबींग पर चर्चा की और कहा कैसे जब वो स्लीप डिप्राइव्ड होती है और बर्नआउट फील करती है तो इसका असर उनके डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। यानी दीपिका नींद पूरी ना होने और थकान के कारण अपने फैसले ठीक से नहीं ले पाती। दीपिका के मुताबिक, व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड और बर्न आउट, द डिसीजंस दैट यू मेक, एंड आई थिंक समटाइम्स आई कैन एक्चुअली फील इट। I know on particular days when I'm feeling stressed or burnt out because I haven't slept enough or practiced my self-care rituals. I can tell that my decision-making is getting affected to some extent. दीपिका पादुकोण की ये बातें सुनकर एक यूजर ने रिएक्ट करते हुए लिखा, Absolutely love this conversation. Hats off to you, Deepu, for taking your time to talk about mental health. More power to you. Another fan commented, Great conversation discussing matters of mental health and small steps that can lead to a healthy way of life. Loved the emphasis on the importance of taking a step back to give time for yourself and not let negativity consume you. Good tips about box breathing and having an end to the work day. Thank you, Deepika Padukone. दीपिका एक ऐसी बॉलीवुड पर्सनालिटी है जिन्होंने हमेशा मेंटल हेल्थ के मुद्दों को उठाया और लोगों में अवेयरनेस फैलाई, और रिसेंटली उन्होंने नींद की कमी के साइड इफेक्ट को हाईलाइट किया, और जिससे ऐसा भी लगता है कि वो अपनी न्यू बॉर्न के साथ एडजस्ट करने के लिए इमोशनली और फिजिकली हर तरह के चैलेंज का सामना कर रही है। आपको बता दें, दीपिका ने 8 सितंबर को एक बेबी गर्ल को वेलकम किया था और फिलहाल वो अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ लाइफ के इस न्यू फेज को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश कर रही है।